डियर फ्रेंड्स, जेई मेंस 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज में एक क्वेश्चन है, रूट टू प्लस वन पावर सिक्स और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू निकालना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस तरह का क्वेश्चंस जेई मेंस में पूछा जा सकता है। तो किस तरह का अप्रोच रहेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये जो नंबर है मैंने एक नंबर ले लिया ए, एंड दैट नंबर इज इक्वल टू रूट टू प्लस वन पावर सिक्स, यानी आपको निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए। तो अपने को क्या करना है, इसी नंबर का एक कॉन्जुगेट ले लिया बी, और ये जो बी नंबर होगा इसको इस तरह से लिख सकते हैं रूट टू माइनस वन पावर सिक्स। अब इसमें एक सोचने वाली बात है, ये जो रूट टू माइनस वन है ये नंबर आपका जीरो और वन के बीच में, और अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये रूट टू माइनस वन ये नंबर जीरो और वन के बीच में, और इसके पावर में अगर हम लोग सिक्स भी रखेंगे और इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर रखोगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। नाउ इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यू आई कैन राइट ए प्लस बी इक्वल टू रूट टू प्लस वन पावर सिक्स प्लस रूट टू माइनस वन पावर सिक्स। अब इसको यहां से बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हैं, तो बाइनोमियल एक्सपेंड करने से क्या मिलेगा, जैसे पहला टर्म मिल जाएगा सिक्स ई जीरो रूट टू पावर सिक्स प्लस सिक्स ई वन रूट टू पावर फाइव प्लस सिक्स ई टू रूट टू पावर फोर, और प्लस इस तरह से डॉट 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 चलेगा, लास्ट वाला टर्म हो जाएगा सिक्स सी सिक्स रूट टू पावर जीरो। और जब इसको एक्सपेंड करोगे तो कुछ टर्म अल्टरनेट में क्या आएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। जैसे पहला टर्म हो जाएगा सिक्स सी जीरो रूट टू पावर सिक्स, नेक्स्ट टर्म सिक्स सी वन रूट टू पावर फाइव प्लस सिक्स सी टू रूट टू पावर फोर माइनस सिक्स सी थ्री रूट टू पावर थ्री। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम लोग, और प्लस में सिक्स सी सिक्स सिक्स सी सिक्स रूट टू पावर जीरो और माइनस वन पावर सिक्स। तो यहां पर आप गौर करोगे ये जो टर्म्स है हर अल्टरनेट टर्म यहां पर में कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर सिक्स सी थ्री वाला भी टर्म्स होगा सिक्स सी थ्री रूट टू पावर थ्री, यानी हर अल्टरनेट वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल होगा, और यहाँ पर में जो रिमेनिंग टर्म बचेंगे वो हो जाएंगे टू टाइम्स, यानी एक सिक्स सी जीरो वाला टर्म बचेगा रूट टू पावर सिक्स प्लस एक बचेगा सिक्स सी टू रूट टू पावर फोर प्लस सिक्स सी फोर रूट टू पावर टू, और लास्ट में बचेगा सिक्स सी सिक्स रूट टू पावर जीरो। अब इसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा सिक्स सी जीरो का वैल्यू होता है सिक्स इंटू ये रूट टू पावर सिक्स यानी टू पावर थ्री यानी एट प्लस ये सिक्स सी टू हो जाएगा आपके पास में फिफ्टीन, और रूट टू पावर फोर यानी टू का स्क्वायर यानी फिफ्टीन इंटू फोर यानी सिक्सटी प्लस ये सिक्स सी फोर, ये सिक्स सी फोर अगेन फिफ्टीन इंटू टू यानी फिफ्टीन इंटू यहां पर मैं सिक्स सी जीरो इसका वैल्यू हो जाएगा वन वन इंटू सिक्सटी, ये फिर से हो जाएगा थर्टी प्लस ये सिक्स सी सिक्स वन रूट टू पावर जीरो, ये भी कितना हो जाएगा वन। तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू मिल जाएगा नाइन्टी, और ये एट प्लस वन नाइन्टी नाइन यानी वन नाइन्टी एट।
ये वैल्यू 198 मिल रहा है। अब आप अगर बी को उधर की तरफ ले चलोगे तो ए इक्वल टू 198 माइनस बी, और ये जो नंबर है बी, ये बी जो नंबर है, ये जो बी जो नंबर है ये कितने के बराबर है, ये फ्रैक्शन के बीच में, बी किसके बीच में है, जीरो और वन के बीच में। तो अब अगर इसका ए का हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे, अब अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे, यानी यहाँ पर मैं जो आपको रिक्वायर्ड है, यानी जो आपको रिक्वायर्ड यहाँ पर में है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर मैं अगर आप यहाँ पर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए ले लोगे तो ये जो बी का वैल्यू है ये जीरो और वन के बीच में है, और जीरो और वन के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ए इक्वल टू 197। क्यों? बिकॉज 198 में से आप जीरो से वन के बीच का कोई भी नंबर घटाओगे तो उसका इंटीजर कितना हो जाएगा, 197। और इस तरह से ये जो क्वेश्चन है आपके पास में, रूट टू प्लस वन पावर सिक्स, इसका आंसर हो जाएगा 197। तो ये अप्रोच आपको लगाना था बेसिकली।